कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश पाठक मगौरा क्षेत्र के कई गांवों में दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक द्वारा मगौरा क्षेत्र के गांव कोसी खुर्द, फोडर, लोरिया पट्टी समेत आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान कस्बा सौंक में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक ने भाषण के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी को बाहरी प्रत्याशी बताकर एक्टिंग करने का मसीहा बताया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर समेत जिले के अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। पाठक जी, आपके द्वारा जो जनसंपर्क किया जा रहा है, कौन कौन से गाँव में भ्रमण किया आपने? हम लोग नरौली से चले, मगोर्रा भी गए, लोरिया पट्टी भी गए, जहाँ भी हैं कोडर भी गए, अभी यहाँ से पचमन भी जाएंगे, पैठा है, गोवर्धन है, अहमदपुर है, तो ये सब विजिट आज की है। और हम अपने साथ में अशोक भाई प्रदीप माथुर हैं, अशोक चकलेश्वर जी हैं, सोहन सिंह सिसोदिया हैं, हमारे जिला अध्यक्ष। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? मुद्दे तो हमारे स्थानीय हैं, आपको भी मालूम है कि बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, यमुना पॉल्यूशन है, ब्रिज को तीर्थ घोषित कराना है, मुसलमानों की भी बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके सब धंधे बंद हो गए, यही हमारे सब स्थानीय मुद्दे हैं। जहाँ तक देश के मुद्दे हैं वो आपको भी मालूम है, चैन 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली, GST लग गई, नोटबंदी हो गई, किसानों को उनकी दुगनी आय नहीं मिली, यही हम मुद्दे लेके चलने के भाई झूठी सरकार को हटाओ। दूसरा, हमारे स्थानीय प्रत्याशी बनाम बाहर का प्रत्याशी, ये भी मुद्दे हैं, उनको अजमा के देखा, उन्होंने काम किया, ये जनता जानती है और जनता निर्णय लेगी। इन्हीं सब को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जनता आँख खोल करके और अपने विवेक से आपके निर्णय लेगी। और जो भाजपा प्रत्याशी हमारे जो फोटो वायरल हो रहे हैं, क्यों करते हुए इसके लेकर क्या कहोगे आप? या लेके खेत में, तो एक्टर है वो, तो एक्टर है, एक्टिंग कर रही है, उसमें हम क्या बोले।